मैं शारीरिक कारणों से नीचे बैठकर चितवनी करने में असमर्थ हूँ, तो क्या मैं कुर्सी में बैठकर श्री राज जी का दीदार नहीं कर सकती? देखिए, आप कुर्सी में बैठकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जैसे पीठ से नीचे जो बैठते हैं दीवार का स्पर्श करते हैं तो पीठ में मेरुदंड में टेढ़ापन आ जाता है। प्रयास यही कीजिए कि सोफे पर या कुर्सी पर, कुर्सी की अपेक्षा यदि सोफा होता है तो अच्छा, और सोफे के दाईं तरफ की जगह छोड़ दीजिए, उस पर एक कपड़ा बिछा दीजिए। कुछ सुंदर सा से भूल ये हो रही है कि जो आगे चितवनी के कपड़ा बिछाते हैं उस पर सतगुरु महाराज का फोटो रख देते हैं। जब आप सतगुरु महाराज का फोटो रख देंगे या वाणी रख देंगे तो आपके सतगुरु महाराज बैठेंगे कहाँ? अपने ही फोटो पर आकर तो नहीं बैठेंगे। और यह बात समझिए कि कोई कोई भी सतगुरु महाराज नहीं आते, राज जी का जोश आता है, आकृति महाराज जी के रूप में दिखाई देती है। क्योंकि इस काल माया के ब्रह्मांड से कोई भी सुरता तभी जाएगी जब राज जी का जोश साथ चलेगा। तो आपके हृदय में जिसके लिए श्रद्धा है, संभव है आपने जिसे तारतम लिया है उनको राज्य का दर्शन नहीं हुआ हो या उनमें कई कमियां भी हो सकती हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप गुमर जी की सेवा का ध्यान कीजिए। पन्ना जी में गुमर जी की जो सेवा है उसके नीचे महामती जी साक्षात विराजमान है। संभव है जिनसे आपने तारतम लिया है वो इस संसार में नहीं है। आपकी आस्था ही राज्य के जोश को आने के लिए विवश करेगी, क्योंकि उसमें एक बार आप जो तारतम जप करते हैं, दो बार करते हैं। तारतम का जप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि संख्या गिनने का मतलब नहीं है। आपकी जीभ न हिले, होठ न हिले, हृदय से आवाज आए, धीरे धीरे जप कीजिए। और शरीयत पूरी करने की जरूरत नहीं है कि 5 बार तारतम करना है, 2 बार करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। जीवा और होठ का हिलना बंद हो जाए धीरे धीरे शब्दों में, या आप ये भी राज रसिक को भी दूर आ सकते हैं, मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम को भी दूर आ सकते हैं। किस और कुछ नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे राज समा को जुराइए, लेकिन हृदय से आवाज आनी चाहिए। आपकी यदि आपके यदि होठ हिल रहे हैं, जीभ हिल रहे हैं तो उचित नहीं है। तारतम को लंबे समय तक जप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज्ञान की बातें आ जाती हैं। ये सतवाणी मत के लूं जो इनको सहार, ये सब 6 चौपाइयाँ को 2 बार करेंगे तो 12 चौपाई हो जाती है। तो इसमें धीरे धीरे ज्ञान का प्रवेश होने लगता है। आपको क्या करना है ध्यान की गहराई में डूबने के लिए, 1 या 2 बार अधिक से अधिक तारतम कीजिए। उसके बाद मेरे राज रसिक मेरे श्याम समा को दोहराइए जो पंक्ति मैंने बनाई है, या राज समा धीरे धीरे कीजिए। होठों को हिलने न दीजिए, हृदय से जैसे आपके यहाँ से आवाज़ निकल रही हो, प्रेम में भरकर जिसको पुकारा जाता है उस भावना से आप करेंगे तो सबसे पहले राज्य का जोश आएगा आपके सम्मुख विराजमान। आपको लगेगा कि सतगुरु महाराज आ गए। जिसका भाव रखेंगे वही आपके सामने आएगा। आप समझेंगे कि हमारे सतगुरु महाराज आ गए हैं, लेकिन राज्य का जोश ही आपके सतगुरु महाराज की आकृति बन करके आता है। इसलिए चितवनी करते समय कभी घृणा का भाव लेना नहीं चाहिए कि वो महाराज जी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो महाराज जी कम है। कोई भी परमात्मा परम धाम की ही है। आप किसी भी परमात्मा के अंदर अवगुण ना देखिए। आप सरकार सी के अंदर ये मत देखिए कि सरकार सी गुस्सा करते थे, महाराज जी गांजा पीते थे, ये देखना हमारा काम नहीं है, ये गुनाह लग जाएगा। इसलिए श्रद्धापूर्वक आप जब आह्वान करते हैं तो वो स्वरूप जिस दिन सामने बैठ जाए, इसमें परीक्षा आपकी श्रद्धा भावना की है। तो काम तो करना राज्य को होता है क्योंकि आप अंतोगत्वा राज्य का ही ध्यान कर रहे हैं, और हर परमात्मा के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। जब भी किसी मंदिर में जाइए तो राज्य श्यामा जी को देखिए। हाँ, जैसे गुमर जी की सेवा का देखने हैं तो बागे की स्मृति तो आएगी, तभी ध्यान लगेगा। राज्य श्यामा जी तो वहाँ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ जो गुमर जी की सेवा पधराई गई है वहाँ भी भाव युगल स्वरूप का रखिए, क्योंकि अंत में आपको युगल स्वरूप के ही चरणों में जाना है।
किसी परमहंस ब्रह्मणि का देखिए तो उनके हृदय में भी युगल स्वरूप का ही भाव लीजिए। तो यदि आप किसी सोफे पर बैठते हैं तो आपका पहला प्रयास ये होना चाहिए कि सोफे पर यदि आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते, पैर लटकाना ही पड़ता है। पैर लटकाने में क्या समस्या है कि लंबे समय तक लटकाने में पाँव में सूजन आ सकती है, लेकिन आपको सूजन नहीं आती है, लटका कर बैठने की संभावना है, तो आप हाथ भी ऐसे कर लीजिए, पाँव लटका लीजिए लेकिन हाथ ऐसे कर लीजिए। पीठ जहाँ भी आपकी कुर्सी के या सोफे के उसकी इससे पीठ स्पर्श होगी तो निद्रा आ जाएगी, निश्चित है। आधे घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद आपको नींद आना ही है, क्योंकि आपका मन एकाग्र हो चुका होता है। देखिए, आसन जम जाने के बाद दो ही गति होगी, या तो आपको निद्रा आएगी या ध्यान लगेगा। जो मंत्र का जप करते हैं उनको नींद नहीं आती है, वो पूरी रात जप कर सकते हैं, लेकिन पूरी रात कोई आसन पर बैठा रहे और मन उसका शांत रहे तो निश्चित है कि ध्यान लगेगा। दो ही चीज होगी, आसन पर स्थिर होकर के बैठ जाने के बाद या तो आपको ध्यान लगेगा या निद्रा आएगी। तो यदि आपके लिए संभव है कि आपकी पीठ का स्पर्श सोफे की जो पीछे का हिस्सा होता है उससे न हो तो अच्छा है, यदि उस पर भी रह नहीं सकते तो थोड़ा सावचेत होकर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ यदि आपकी आहार की सूक्ष्म भी होगी तो आधे घंटे 45 मिनट के बाद झपकी तो अवश्य लगना है, और यदि झपकी लगने के बाद आंखें खुल भी जाती हैं तो आप पुनः ध्यान में लग जाइए। प्रयास ये कीजिए कि कुर्सी पर भी बैठिए तो पीठ से स्पर्श न होने पाए, और यदि तकलीफ है तो उसके पीठ के सहारे लेकर के बैठिए। आधे घंटे के बाद झपकी आ जाएगी, फिर थोड़ी देर सो लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा, कुछ तो परिश्रम आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। दूसरा है, कमर गर्दन सीधी रखने के लिए क्या हम सपोर्ट बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, आपकी जो बेल्ट होती है पहले तो चमड़े की नहीं होनी चाहिए। पता है नहीं किस प्राणी को तड़पा करके चमड़ा निकाला जाता है, मुझे नहीं मालूम कि बेल्ट किसकी बनती है, लेकिन चमड़े के बेल्ट पहनकर समाधि में नहीं बैठा जा सकता है। यदि बेल्ट लगाना पड़ता है तो लगाइए, लेकिन यह ध्यान रहे कि बेल्ट पूरा आधार नहीं है। जो प्रकृति ने आपको ये अंग दिए हैं शरीर के, इसके माध्यम से ही आपका मेरुदंड सीधा रह सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि आप ये पीछे की तरफ तकिया लगाएं या थोड़ा भी, जैसे आपको पता नहीं लगता, ये कमर के पीछे वाले भाग में आपका मेरुदंड थोड़ा भी टेढ़ा हो जाएगा तो कुछ समय के बाद आपको पता नहीं लगेगा, एक घंटे बैठने के बाद, डेढ़ घंटे बैठने के बाद, दो घंटे के बाद दर्द शुरू हो जाएगा, और लंबे समय तक करेंगे तो ये किसी रोग में बदल सकता है। इसलिए जब आप बैठिए तो क्या होता है, पीछे की तरफ कमर, ये कंबल को या किसी पतले कंबल की कोई पट्टी लगाकर ऐसे बैठिए, लेकिन उसमें भी क्या है, एक बराबर करके मत बैठिए, ये ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, लेवल से ऊंचा नीचा होता जाता है, ऐसे बनिए, एक आगे हो पीछे हो, इस तरह का होना चाहिए। जैसे एक साधारण कंबल है तो इस बैठे हैं तो आप ऐसा करेंगे, ये थोड़ा सा ऊंचा हो पता नहीं चले। यदि आप ऊंचा तकिया लगा कर यहाँ बैठ जाते हैं नितंबों के नीचे तो वो भी आपके शरीर को अनबैलेंस कर देगा, और शुरू में अच्छा लगेगा लेकिन बाद में मसल्स खींच जाएगा, आपके पीठ के पीछे कहीं ना कहीं दर्द बना रहेगा। तो यथासंभव बेल्ट से बचिए, बेल्ट को केवल सहारा लीजिए, लेकिन पीठ की हड्डी आप अपने हाथ को पीछे ले जा करके देख लीजिए, यदि आपकी पीठ की हड्डी मेरुदंड सीधा नहीं रहता है तो आपके लिए समस्या खड़ी कर देगा। आप तात्कालिक लाभ देखते हैं कि बेल्ट से आराम कर लिया, तकिया लगा लिया, तो ये उचित नहीं होगा। दीवार के सारे जो सुंदर साथ आसन सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए समस्या है कि ये मेरुदंड का नीचे का हिस्सा जहाँ कमर पर आप कपड़े बांधते हैं, या तो बहनें या भाई लोग जहाँ पजामा पहनते हैं, बहनें अपना जो भी पहनती हैं, उसके पास की जो हड्डी है वहाँ टेढ़ापन होना शुरू हो जाएगा, और जो बाद में बड़े रोग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए प्रयास यही कीजिए
कि प्राकृतिक तरीके से ही बैठ जाए, किसी की सहायता न ले जाए। धीरे धीरे अब अभ्यास करेंगे तो कई घंटे का अभ्यास हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। तीसरा प्रश्न है, राधा कृष्ण का जप करने से वृंदावन के नित्यानंद जी को राधा का दर्शन हुआ, क्या हमें राजश्यामा जी कहने से युगल स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता? देखिए, जप जो है साधना में बाधक भी है और साधक भी है। जप कैसे करना चाहिए? जप तीन तरह के होते हैं, मानसिक, वाचिक और उपांशिक। वाचिक का अर्थ होता है बोल बोल कर, राधे श्याम राधे श्याम, दुनिया को बताने के लिए होता है। उपांश होठों में बुदबुदा कर, जैसे किसी को आवाज़ तो नहीं निकल रही है, होठ बस फड़क रहे हैं। और तीसरा जप होता है मानसिक, मन के द्वारा, जीभ नहीं ले होठ नहीं ले, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हो रही है, भावलीनता में जप स्थित कर देता है। जैसे हम कुछ न करें तो मन तो हमारा काम करेगा, मन में कोई ना कोई विचार आते रहेंगे। इसलिए जब ध्यान की प्राथमिक आवश्यकता में हमें प्रवेश करना होता है तो हमें, हमारे लिए जप बहुत लाभदायक होता है, ताकि मन पवित्र हो जाए। ऐसी बात होते जो हो, हमारा अभ्यास बन जाए कि उठते बैठते सोते जागते मन में राजसमा राजसमा होता रहे, तो बहुत अच्छा है, किसी को पता भी नहीं रहेगा, हृदय प्रेम का आवेश बना रहेगा। जैसे आपको किसी की बहुत याद आ रही है, चाहे इसको दृष्टांत से समझिए, आपके निकट संबंधी की तबीयत खराब हो गई है, हार्ट ट्रबल हो गया है, अटैक आ गया, उस समय क्या होगा? आप चाह कर भी कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, किसी से हंसी खुशी बात नहीं कर सकते हैं, बात भी कर रहे होंगे तो हर पल आपके उस निकटस्थ संबंधी की याद आती रहेगी, उसका स्वरूप सामने आता रहेगा कि किस तरह से मेरा सगा भाई, मेरा मित्र या बहन जो भी है, उसकी हालत कैसी होगी, कैसे वो हॉस्पिटल में तड़प रहा होगा। उसी तरह से आप उठते बैठते सोते जागते हृदय में राजसमय राजसम का जप करिए तो भावलीनता की स्थिति हो जाएगी, वो भावलीनता आपको प्रेम में ले जाएगी, दर्शन होगा केवल प्रेम से, जप से दर्शन नहीं होगा, जप आपको प्रेम में ही बना देगा। जैसे मीरा उठते बैठते केवल कृष्ण के चिंतन में लगी रहती थी, चैतन्य महाप्रभु उसी चिंतन में लगे रहते थे, लेकिन प्रेम की अवस्था में जब बुद्धि काम नहीं करेगी, आप कैसे समझेंगे कि बुद्धि काम नहीं करेगी? जब भावलीनता अधिक हो जाती है तो ऐसा लगता है कि मेरा परमास्पद मेरे सामने है, तो परिणाम क्या होगा? जब वो सामने रहेगा तो उसमें बोलती बंद हो जाएगी, उसमें जप नहीं हो पाएगा। जैसे आप जिसको देखना चाहते हैं, आजकल आधुनिक भाषा में क्या कहते हैं, सरप्राइज करना, बिना बताए किसी के यहाँ चले जाना, आपका निकटस्थ संबंधी जिसको आप बहुत याद करते हैं, बिना आपको सूचना देवी अचानक आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे आप? आप उसको प्रणाम भी नहीं कर सकते हैं कुछ, आपकी आवाज बधी रह जाएगी, कुछ समय के लिए आपका मन बुद्धि बिल्कुल कुंठित हो जाएगा कि कुछ काम नहीं कर पाएंगे। बस ये कहानी है, भावलीनता आपको प्रेम की अवस्था में करेगी और उसके पश्चात आपको अपने हृदय में जैसे प्रेम होगा तो कभी भी राजी दीदार दे सकते हैं। जो मैंने ध्यान समाधि के नियम बताए हैं ये संसार के लोगों के लिए है, जिसके हृदय में प्रेम आ जाएगा राज्य किसी भी क्षण कभी भी दर्शन दे सकते हैं, उसके लिए संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश किए बिना भी दर्शन हो सकता है। सुंदर साथ पर ये सारे नियम लागू नहीं होते, लेकिन यदि एक ध्यान को वैज्ञानिक पद्धति से संसार के सामने कहना है तो समाधि का वर्णन करना पड़ता है। लेकिन यदि एक ध्यान की वैज्ञानिक पद्धति न विकसित किया जाए तो क्या होता है, समाज में भटकाव बहुत होता है, विशेषकर बहनों के ज़्यादा भटकने की संभावना रहती है, क्योंकि बहनों के साथ कुछ कमजोरियां जुड़ी हैं कि बहनें लंबे समय तक बैठ नहीं पाती हैं। भाइयों का शरीर ताकतवर होता है, कठोर होता है, वो लंबे समय तक बैठने का अभ्यास कर लेते हैं। बहनें कोमल शरीर वाली होने के कारण ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती हैं, थोड़ा मन भी चंचल होता है, भावलीनता में आभास होने लगा कि राज्य के झलक सामने है, जैसे किसी से बहुत गहरा लगाव हो,
उसकी तरफ थोड़ा चिंतन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सामने आ गया। बस बहनें इसी को राज्य का दर्शन मानकर खुश हो जाती हैं और सोचती कि हमें तो राज्य मिल गए, आगे बढ़ने का प्रयास बंद कर देती हैं। इसलिए मुझे विवश होकर एक नियम बनाना पड़ा है कि कोई उसी अवस्था को सब कुछ न मान ले, आगे बढ़े। तो जब शरीर आसन में बैठेगा, भावलीनता पर मैं जोर क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि इसमें धोखा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वो एक झलक का आभास सोना दर्शन नहीं है, उसे आत्म जागृति नहीं होगी। जब तक नख से सिख तक पूर्ण शोभा हृदय में न बस जा, जब आप आसनस्थ होकर के बैठेंगे और जैसे भावलीनता चलते फिरते कर रहे हैं, आँखें बंद है और राज्य क्यों याद कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है तो राजसमय जब भी कर रहे हैं, फिर विरह के आंसू आएंगे, उन भावों में डूब गए तो क्या होगा, आपको 3 घंटे बैठने का अभ्यास है तो 3 घंटा तो बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा और आप गहराई में लंबे समय तक देख सकते हैं। जो 1 सेकेंड में झलक का आभास करके आप खुश हो गए तो ये धोखा नहीं होगा, आप आधा घंटा तक भी आराम आनंद ले सकते हैं। ये राज्य के ऊपर है कितना आनंद देंगे। इसलिए एक वैज्ञानिक पद्धति बना दी गई कि बहनें बहाना न बनाए कि हमें तो चलते फिरते भोजन बनाते समय राज्य का दर्शन हो जाता है। क्योंकि मैं एक बार रतनपुरी में था, 3-4 बहनें आपस में बातें कर रही थी कि जब मैं रोटी बना रही थी तो राज्य तवे पर बैठ जाते थे। तो मैंने कहा कि राज्य क्यों परेशान कर रहे हो, तवे पर क्यों बैठ जाते हो? अब वो भाव, मैं उनकी बात सुनता रहा, मैं उनको समझा नहीं सकता था क्योंकि बड़ी बुजुर्ग बहनें थीं। तो ये बहनें ज़्यादा इस भावलीनता का शिकार होती हैं कि वो धोखा खा जाती हैं, और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ कि भावलीनता को सबसे ऊंची चीज़ मत समझिए। जो नित्यानंद की जो बात है, नित्यानंद जी भाव में डूबे होंगे, भाव में राधा राधा जपते जपते बिल्कुल वो बेशुद्ध हो गए होंगे, तो उनको राधा जी का अनुभव हुआ होगा, पल भर के लिए दर्शन हुआ होगा, लेकिन वो जीवन की अंतिम समय में शुरू प्रारंभिक अवस्था में नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, श्री देवचंद जी जब चितवनी करते हैं तो 26 वर्ष की अवस्था में उनको दर्शन हो जाते हैं, बालमुकुंद के रूप में उनकी सुरता योग माया के ब्रह्मांड में पहुँच जाती है, यह चितवनी के बल पर। श्री मिहराज जब कसने करने लगते हैं, चितवनी करते हैं, तो उनकी भी अवस्था कितनी होती है, लगभग 26 वर्ष की अवस्था भी उन्हीं की होती है। 1675 में जन्म होता है, 1700 में उनके भ्राता के का धाम गमन होता है और उसके पश्चात 1703 में भी श्री जी को, श्री मिहराज को अरब भेजा जाता है। तो 26 से 28 वर्ष के बीच में वही अवस्था होती है जो देवचंद जी की होती है और ये उनकी होती है। 26 वर्ष की अवस्था में भावलीनता में डूबना एक युवा अवस्था में संभव नहीं होता है, इसलिए चितवनी की प्रक्रिया में यदि कोई 20 वर्ष का युवक, 18 वर्ष का युवक भी अपने आसन को सिद्ध कर लेता है, मन को पवित्र कर लेता है, तो उसको दीदार का अनुभव 20 साल की उम्र में भी नहीं हो सकता है। लेकिन भावलीनता में धोखा होता है कि 60 साल की अवस्था में भी लगता है कि राज्य तो हमारे साथ है, राज्य तो हमारे साथ है, करने की क्या हो सकता है, फिर एक आलस्य का जन्म हो जाता है जो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैंने एक वैज्ञानिक पद्धति की तरह इस निजानंद की चितवनी की प्रक्रिया को विकसित करने का प्रयास किया है राज्य की कृपा दृष्टि, कि कोई भी किसी भी उम्र का सुंदर साथ हो, चाहे 15 साल का बच्चा हो, 18 साल का हो, 70 साल का हो, भावलीनता के धोखे में ना आ जाए, क्योंकि भावलीनता आपको प्रेम का अधिकारी बनाती है और जब तक प्रेम नहीं आएगा दीदार नहीं होगा। क्षण भर की झलक मिलने को दर्शन मान लेना धोखा होता है। जब आपके ऑडियो में आत्मा जा रही होती है परमधाम में, तो क्या हमें कल्पना करनी है कि वीडियो में देखा हुआ याद करना है, या क्या करना है, सतगुरु को याद करते समय भी क्या करना है? देखिए, परमधाम हमारी सुरता की दृष्टि जा रही होती है, सपना देखते हैं तो क्या होता है, कह देते हैं कि मन चला जाता है, मन नहीं जाता है, मन की तरंगे जा रही होती हैं आपके शरीर का पूरा प्रतिबिंब लेकर। जैसे आप सो गए, सोते समय आप सपना देखने लगे, सपने में क्या होगा,
आपका मन आपका नख से सिख तक श्रृंगार लेकर के दिल्ली में पहुंच जाएगा। आपका मन नहीं जाएगा, मन की तरंगे जाएंगी, क्योंकि मन जाएगा तो प्राण चला जाएगा। मनोविलेते यत्र प्राण तत्र विलेते, प्राण जाएगा तो आप तो मर जाएंगे। इसलिए मन की तरंगे मन का स्वरूप लेकर, जैसे परम धाम में बैठे हैं तो परम धाम से हमारा नूरी तन नहीं आया है, हमारी परात्म का प्रतिबिंब लेकर हमारी आत्मा, परात्म का प्रतिबिंब लेकर हमारा मन इस संसार में आत्मा के रूप में माया का खेल को देख रहा है। उसी तरह से जब आप चितवनी करते हैं तो आपकी आत्मा परात्म का श्रृंगार लेकर परम धाम को काल माया से योग माया तक को होते हुए परम धाम देखने का प्रयास करती है। इसमें कौन जाता है? आपकी दृष्टि। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं प्रेस की बिल्डिंग को यहीं से देख रहा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन किसी वस्तु को मैं देखने लगे तो मैं उसमें डूब जाऊँगा तो लगेगा कि मैं शरीर सहित वहाँ पहुँच गया हूँ। बस ये कहानी है। आप आँखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद कर संकल्प से घूमर जी चले जाइए तो क्या होगा? आपका शरीर यहाँ रहेगा, मन यहाँ रहेगा। जैसे स्वप्न में मन की तरंगे आपका रूप लेकर के वहाँ चलती है, वैसे ही आप ध्यान के द्वारा घूमर जी पहुँच सकते हैं। जैसे मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ तो ये बात समझ में आ जाएगी कैसे होता है। योगी संकल्प करता है कि मैं 10 जगह दिखूं, उसका संकल्प ही कार्य करता है और उसका एक तन होता है 10 जगह एक साथ दिखाई देगा। इसे आपको बात अचंभा से लग रही होगी, लेकिन ये मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ। लाड़ी महाशय की चर्चा मैंने कई बार चर्चा प्रवचनों में की है। लाड़ी महाशय गृहस्थ योगी थे, उनके गुरु थे महाअवतार बाबा, जिन्होंने हिमालय में बुलाकर उनको दीक्षा दी थी। तो एक बार वे अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, अपने गृहस्थ ऐसी चक्की है जिसमें योगी भी फंस जाता है तो बेचारा बेबस हो जाता है। वे किसी सरकारी विभाग में कार्य करते थे, उनका जो बड़ा अधिकारी था अंग्रेज था। वो उनका अधिकारी अंग्रेज बहुत दुखी था, परेशान था। पूछने पर पता किया उन्होंने तो उसने बताया कि मेरी पत्नी बीमार है, और उस समय टेलीफोन की तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तार भी आना जाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप कोई चिंता न कीजिए। वो गए अपने कमरे में, ध्यान अवस्थित हो गए और एक घंटे के बाद ध्यान अवस्थित करके आके कहते हैं 15 दिनों के बाद आपकी धर्मपत्नी आने वाली है। तो वो अंग्रेज सोचता है कि ये हिंदुस्तानी लोग ऐसे गप मार देते हैं, इसको कैसे पता कि मेरी पत्नी ठीक है और 15 दिन के बाद आए। तो वो बड़ा अधिकारी था, उसने उनकी बात को हल्के में लिया। ठीक 15 दिनों के पश्चात उसकी पत्नी आती है और लाड़ी महाशय को देखकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती है और अपने पति से बोलती है कि देखिए इन्हीं के कारण मेरे जिंदा बची हूँ, ये मेरे पास आए थे, मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। तो अंग्रेज पूछता है कि ये तो मेरे पास बैठे हैं, यहाँ से तो गए नहीं, और कैसे तुम कर रही हो, प्रतिदिन कार्यालय में आते हैं, कैसे जा सकते हैं? कहा कि नहीं, आप विश्वास कीजिए, यही मेरे पास आए थे, आशीर्वाद दिए थे तो मैं ठीक हुई। तब अंग्रेज को विश्वास हुआ कि ये घटना सच्ची है। हुआ क्या कि लाड़ी माई से अपने कमरे में ध्यान अवस्थित हो गए। ध्यान में संकल्प बल से जब कोई योगी संकल्प करेगा तो संकल्प से शरीर उसका यही रहेगा, सांस यहाँ चलती रहेगी, धीरे धीरे शरीर जीवित रहेगा। उसका संकल्पमय शरीर वैसा ही रूप धारण करके जाकर के पल भर में दर्शन देगा, उससे बातें करेगा, जो वो कहेगा वैसे ही होगा। जैसे सपने में आप गहरी निद्रा में होते हैं तो थोड़ी सी मन में जागृति जैसी भावना होती है तो सपना देखने लगते हैं। सपने में आप कहाँ कहाँ घूमते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, झगड़ा करते हैं, वो तो अज्ञान दशा में होता है क्योंकि आप निद्रा में होते हैं। तो योगी समाधि अवस्था में जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा। किसी के पास जा सकता है, बातें कर सकता है, कई शरीर एक साथ धारण कर सकता है। ये योग विज्ञान का सिद्धांत है, इसको कल्पना नहीं समझनी चाहिए या गप नहीं समझनी चाहिए। तो आप भी ध्यान के बल से कहीं भी जाकर, तो जब आप ध्यान करते हैं, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है
कि जब आपके अटियों में आत्मा जा रही है परम धाम में, तो हमें कल्पना करनी है, वीडियो में देखा हुआ याद करना है या क्या करना है? आप अपने मन में जैसे यमुना जी का दृश्य है, आप केवल उसको भावमय रूप में देखिए। यमुना जी का जल दूध से भी उजला है, कैसे बह रहा है, मैं परात्म के श्रृंगार से उसमें स्नान कर रही हूँ, कैसे पार कर रही हूँ, इन भावों में डूबे रही है। आप उसको पार करते, जैसे राज्य को तो आपने देखा नहीं है, एक भावमय स्वरूप बनाइए कि सिंहासन के 6 पाए 6 डाणे हैं, राजश्यामा जी बैठे हैं, दीदार नहीं हो, मन भाग रहा है, तो राज्य के चरणों को देखिए। चारों जोड़े चरण के एजु वर्ष बुकन ए लिए हृदय में ने आवाज स्वरूप। जब चरणों में आपका मन एकाग्र होता जाएगा तो नख से सिख तक पूरा श्रृंगार आने लगेगा। भाव क्या होता है? मीरा भाई से पूछिए भाव क्या होता है। मीरा भाई भाव में हमेशा डूबी रहती थी। चैतन्य महापौर प्रभु रामकृष्ण परमहंस हमेशा भाव में डूबे रहते थे। शुरू शुरू में भाव में डूबे रहिए, जब प्रेम गहरा हो जाएगा तो वही भाव यथार्थ में बदल जाएगा। जिसे सूरदास जब भजन बनाते थे तो समझते थे कि मेरा कृष्ण मेरे पास बैठा है। मीरा नृत्य करती थी तो सामने मूर्ति दिख रही है, भाव में यही खो जाती थी कि मैं कृष्ण के सामने नृत्य कर रही हूँ। उनके सामने मीरा बाई को नहीं दिखता था कि मेरे सामने महात्मा लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे। मीरा लोकलाज को छोड़ करके नृत्य करती है तो उसी भाव में स्वरूप है। रामकृष्ण परमहंस के सामने कोई भजन गा देता है तो उसी भाव में। तो ये भाव की साधना होती है। आप पहले शुरू में जैसे रंगमहल में भी प्रवेश कर रहे हैं तो आपने चर्चनी तो पढ़ी है, तो ये सब कुछ कहाँ होता है? आपके हृदय से होता है। आप सामने जैसे मान लीजिए, मैं एक दृष्टांत आपको दे देता हूँ, उससे बात समझ में आ जाएगी। हवाई जहाज से जब आप उड़ते हैं तो ऊंचाई पर जब हवाई जहाज पहुँच जाता है तो क्या होता है? लगता है कि वहीं पर खड़ा है, लेकिन वो भाग रहा होता है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। नीचे वाले समझते हैं कि विमान भाग रहा है। जो विमान में बैठे होते हैं वो समझ रहे कि हम तो यही खड़े हैं। नीचे आने पर तो पता चलता है कि विमान दौड़ रहा है, लेकिन बहुत ऊंचाई पर पता नहीं चलता। उसी तरह से आपने चर्चनी याद कर ली है, राज्य का श्रृंगार याद कर लिया, नख से सिख तक राज्य श्यामा जी का श्रृंगार आपको याद है, राज्य ऐसे हैं। अब मैं काल माया को छोड़ करके आगे बढ़ रही हूँ, तो काल माया तो अनंत है, आप कितना आगे बढ़ेंगे? योग माया बेहद मंडल का अर्थ ही होता है अनंत है। आपको 1 घंटे की चितवनी करनी है तो 5 मिनट में कालमा योग माया दोनों को पार करना है। 5 मिनट का 500 वर्ष में भी आप ऐसे पार तो कर नहीं सकते। तो क्या करना होता है? आप संक्रमण कर ले कि इतना दूर पार किया, आप भाव में इतनी इतनी जगह में काल माया को भी पार कर लिया, योग माया को पार किया। क्योंकि ये भाव कहाँ से हो रहा है? आपके हृदय से हो रहा है। आपका मन बुद्धि इसमें लगे हुए हैं। अब मन में भाव की काल माया योग माया को पार कर लिया, सामने परम धाम दिख रहा है, आपने नक्शों को देखा है तो नक्शों में सौंदर्य का आभास किया कि ऐसा रंगमहल है, रंगमहल ऐसा है। यमुना जी को पार करने के बाद 4 चौरस हवेलियाँ आ रही है, उसको मैं पार कर रही हूँ, फिर सिंहासन ऐसा दिख रहा है। आपके बस इतने जगह में ही आएगा, लेकिन आप क्या समझ रहे हो कि मैंने इसे इसे पार कर लिया। जैसे मैंने आपको विमान का दृष्टांत दिया था तो वो क्रियात्मक रूप है, वैसे ही समझिए आप थोड़ी देर में कालमाया योग माया को पार करके परम धाम में पहुँच गए रहेंगे। और जब पहले तो दौड़ किसकी होगी? पहले चितवनी होती है मस्तिष्क से, उसमें बुद्धि का योग होगा, क्योंकि सारा ज्ञान आपने ग्रहण किया है, राजी श्यामा जी का श्रृंगार याद कर लिया है। और मस्तिष्क पहले ज़्यादा सक्रिय होगा। मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, एक भाव प्रधान होता है, एक ज्ञान प्रधान होता है। जो ज्ञान प्रधान होता है, मस्तिष्क क्या है? मन चित्त बुद्धि अहंकार का कार्य क्षेत्र है। मन चित्त बुद्धि अहंकार क्या है? कारण शरीर है। मस्तिष्क क्या है? स्थूल भाग है। तो मन भी एक भावनात्मक होता है, एक ज्ञानात्मक होता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान परक है। मन क्या है? भाव परक है। इसलिए क्या कहा जाता है ना कि चितवनी
दिल से करनी होती है, दिमाग से नहीं करनी होती है। लेकिन पहले चितवनी दिमाग से ही करनी पड़ती है, क्योंकि दिमाग में चीज भरी होती है। एक ज्ञान होता है कि राज्य से हमें प्रेम करना होता है, लेकिन जो प्रेम हृदय की वस्तु है, बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कभी प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन व्यवस्था क्या है, बिना बुद्धि से जाने हुए प्रेम आप कर ही नहीं सकते। इसलिए जब आप चितवनी में डूबते हैं तो पहले पहले जो सुनाया गया है, जो आपने सीखा है, काल माया युग माया को पार किया, यमुना जी में स्नान किया, आगे चांदनी चौक में पहुंची, 100 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य द्वार पर पहुंची, उसको पार किया, 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 4 चौरस, इसको एक भावात्मक रूप से सारी शोभा आपने खड़ी कर रखी है, उसको पार करते हुए मूल मिलावा में आपको पहुंचना है। राज्य की भी शोभा को आपने मस्तिष्क में बसा रखा है, बुद्धि से वो कारण स्वरूप में आएगा। मस्तिष्क में जो वस्तु ठहरी है बुद्धि के द्वारा नियंत्रित हो रही है, बुद्धि से वो भावात्मक मन के धरातल पर आएगी, क्योंकि जिसकी आपने शोभा खड़ी है वो प्रेम का स्वरूप है। उस प्रेम के स्वरूप को धारण करते करते वह बुद्धि का ज्ञानमय स्वरूप अदृश्य हो जाएगा और उसकी जगह प्रेम का स्वरूप आता जाएगा। जब प्रेम का स्वरूप आएगा तो बुद्धि निपुणतया निष्कृत हो जाएगी और उसी में दीदार होता है। इसलिए आधार बनाना पड़ता है, पहले ज्ञान का आधार बनाइए और उसके पश्चात प्रेम का आधार बनाइए। लेकिन आप ये मत समझिए कि आप रंगमाल की मूर्ति को सामने रख लेंगे, राजश्यामा जी का चित्र रख लेंगे तो चितवनी लग जाएगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि आप चित्र को देख रहे हैं, चित्र एक जड़ पदार्थ है। राजश्यामा जी के जब से चित्र बनने लगे हैं तो क्या होता है, चित्रकार ने तो अपनी कल्पना से जाटों की पगड़ी बना दी है और क्या क्या सब भर रखा है। आप उस चित्र को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि राज्य ऐसे हैं, वो झूठ हो जाएगा, क्योंकि जड़ वस्तु का ध्यान करना चितवनी में सार्थक नहीं। अब आप कहेंगे कि सतगुरु महाराज कभी तो चित्र है, सतगुरु महाराज तो हमारे सामने है नहीं, तो क्या करना होगा। देखिए, सतगुरु महाराज का जैसा चित्र है, पहले मस्तिष्क में ज्ञान में उसको एक आधार बनाइए, फिर उनके हृदय में युगल स्वरूप को देखिए। मैंने जो दोपहर के प्रवचन में बोला था, किस तरह से एक बिंदु का आधार लेंगे तो जैसे जैसे मन एकाग्र होता जाएगा, एक भावमय स्वरूप सतगुरु का खड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे आपके हृदय में प्रेम बढ़ता जाएगा, निर्विकारता आती जाएगी, राज्य का जोश आपके सामने सतगुरु का स्वरूप धारण करके उपस्थित हो जाएगा और आपकी सुरता को ले जाएगा। इसलिए सुंदर साथ को मूर्ति पूजा, मूर्तियों का, चित्रों का सहारा अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी परमांश का चित्र है तो उसको सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचें कि केवल वही करके सब कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा। आपको अपने हृदय में सतगुरु के स्वरूप को बसाना पड़ेगा, प्रेम लाना पड़ेगा, निर्विकार बनाना पड़ेगा, तब आगे की मंजिल। सतगुरु को याद करते समय भी क्या करना है, मैंने पहले बता दिया, उनकी आकृति को पहले भाव में लाइए। जो मैंने कहा है, तारतम को 2 बार पाठ कीजिए, राजश्यामा कीजिए। लेकिन जब आप जप करते हैं तो उसको भाव विवल होकर के कीजिए, बुद्धि का प्रयोग मत कीजिए। यदि आपने बुद्धि का प्रयोग किया तो आप उसमें उलझते जाएंगे। वितर्क विचार दोनों से परे होना था, सवितर्क निर्वितर्क, इन दोनों स्तरों से परे होंगे तब आनंद की प्राप्ति होगी, और एकाग्रता हुए बिना ऐसा नहीं हो सकेगा। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि केवल जप से सब कुछ हो जाएगा तो नहीं, जप आपके लिए सहायक बनेगा लेकिन बाद में ये बाधक बन जाएगा। यदि आप प्रेम की गहराई में डूब रहे हैं, यदि आप उस समय जप करना शुरू कर दिए तो वो बाधक बन जाएगा। जब प्रेम में डूब गए हैं तो स्वयं को उसमें डुबोइए। हाँ, यदि मन भागता है तो राजश्यामा हृदय से पुकारिए। जैसे विरह में किसी को पुकारा जाता है, उस विरह के भाव में, प्रेम के भाव में यदि पुकारते हैं तो लाभ होगा। बुद्धि से यदि पुकारना शुरू करेंगे तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि के आते ही तर्क वितर्क शुरू हो जाएंगे। यह है कि मल विक्षेप आवरण के द्वारा समझाएं। देखिए भाई, मल कहते हैं गंदगी को। जैसे हम साबुन क्यों लगाते हैं, शरीर की मैल को धोने के लिए। तो हमारे चित्त में काम क्रोध मद लोभ अहंकार के जो विकार हैं उसको कहते हैं मल। विक्षेप किसको कहते हैं, कि उन विकारों के कारण हमारा मन चंचल रहता है। जैसे हमें क्रोध आ रहा है
तो हमारा ध्यान थोड़े लग पाएगा, हम शांति से बैठ नहीं सकते। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारा पीछा कर रहे हैं। जैसे मोह होता है ना, मताएं 70-80 साल की हो जाती है, उनका सारा ध्यान किस में लगता है, मेरे पोते ने ये इसका होमवर्क हुआ कि नहीं, खाया पिया कि नहीं। अरे तुम्हारी दुनिया से जाने का समय हो गया है, 70 साल की उम्र में भी तुम्हें पोते का ही मोह लग रहा है, ये नहीं कि अपना कल्याण करे। तो ये जो विकार होता है उसको कहते हैं मल। विक्षेप आता है मल के कारण, जो विकृति आती है वो विक्षेप कहलाता है। मन का चंचल होना विक्षेप कहलाता है। आवरण का अर्थ क्या होता है, जिसे कागज रख दिया शीशे के ऊपर, इस पर दर्पण देखेंगे तो कहीं नहीं। आवरण अर्थात मोह का आवरण, हमारे हृदय में राज्य से अधिक किसी के लिए प्रेम हो जाएगा तो राज्य का दीदार नहीं होगा। इन ये तीन कारण है जिसके कारण दर्शन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, आपने कहा था कि पिंड ब्रह्मांड से बाहर होना है चित्वनि में, किंतु शरीर में ध्यान रहता ही है, पैरों में दर्द हो ही जाता है और ब्रह्मांड भी अंदर बना ही रहता है मन में, क्या करें समझाएं। वैसे शोभा देखने को मन करता रहता है। देखिए प्रश्नकर्ता ने अच्छा प्रश्न किया, ये स्वाभाविक होता है, सबके साथ होता है। मैंने आपको बताया कि पिंड ब्रह्मांड से परे होना है, कैसे होना है इसको एक दृष्टांत से समझिए। किसी बच्चे को जिसको मोबाइल से बहुत लगाव है, उसका मोबाइल छीन लीजिए और उसको सामने बैठा कर कहिए कि तू ये इतना ये होमवर्क तुम पूरा करो, क्या करेगा? किताब की तरफ देख रहा है लेकिन उसका सारा ध्यान किस में है, मोबाइल में। वो डर के मारे बेचारा पन्ने पलट रहा है, उसका मन लगे ही नहीं है, शरीर यहाँ होकर भी वो नहीं है, क्योंकि उसका सारा ध्यान किस पर है कि जहाँ मोबाइल छिपा कर रखा गया है। उसी तरह से जब आप स्थिर होकर के बैठ जाएंगे आसनस्थ होकर, तो धीरे धीरे आपके मन की गति अपने आप शांत होने लगी। यदि आपका आहार सात्विक है, आप प्राणायाम करते हैं, राज्य की शोभा में डुबाने का प्रयास करते हैं, आप केवल शरीर को स्थिर कर लीजिए। देखिए मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक कुछ सरल मार्ग होगा, और मेरे जीवन के 40 वर्षों का अनुभव मैं बता रहा हूँ। आप जब शरीर को ऐसे से ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका शरीर अकड़ना शुरू हो जाएगा। अकड़ने का संकेत है कि अब आपका मन शांत होने लगा है। यदि आपका शरीर अकड़ नहीं आए, ढीला ढाला है, तो समझिए आपका मन भाग रहा है, आप शरीर को कहीं ना कहीं हिला रहे हैं। आप हिलाना डुलाना बंद कर दीजिए धीरे धीरे, तो रक्त संचार कम होने लगेगा, फिर मन की गति भी रुक जाएगी, और इसके पश्चात क्या होगा, मन के रुकते रुकते यदि आप रजोगुण की प्रवृत्ति में नहीं है, हो सकता है मन शांत हो फिर, क्योंकि ये आपका जीव लाखों जन्म से संसार में फंसा रहा है, थोड़ी देर शांत रहेगा फिर इसमें रजोगुण का प्रवाह बहने लगता है, तमोगुण का प्रवाह आएगा, विचार फिर शुरू हो जाएंगे। उस समय प्रेम के बल पर राज्य के प्रति समर्पण की भावना से स्वयं को उससे परे करना होता है, तो धीरे धीरे आप लक्ष्य की तरफ, जैसे कहा कि आसनस्थ, आसन में पूरी स्थित हो गए, उसके बाद लक्ष्यस्थ, लक्ष्य है युगल स्वरूप, नख से सिख तक राज्य के सौंदर्य में अपने को डूबोइए। मन क्या चाहेगा, सौंदर्य चाहेगा, राज्य की सुंदरता को देखना चाहेगा, राज्य से प्रेम चाहेगा, तो राज्य के नख से सिख तक की शोभा में स्वयं को जब देखने का प्रयास करेगा, तो शरीर का तो ध्यान तो पहले ही गया। जब आप शरीर का आभास नहीं रहेगा तो आप ब्रह्मांड से परे हो गए। पिंड ब्रह्मांड से परे होने के लिए शरीर का स्थिर होना जरूरी है। कई सुंदर साथ कहते हैं, विशेषकर बहने, कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं, बैठ करके चितवनी करना तो आडंबर है। सूरज पश्चिम में उग सकता है लेकिन चलते फिरते चितवनी नहीं हो सकती है, चलते फिरते केवल भावलीनता होती है। अब भावलीनता के धोखे में नहीं रहना चाहिए, आप चलते फिरते राज्य श्यामा जी की शोभा का भाव ले सकते हैं, 25 पक्षों में घूम सकते हैं, लेकिन वो चितवनी नहीं है। चितवनी का तात्पर्य क्या है, शरीर से परे होकर, संसार से परे होकर राज्य की शोभा में स्वयं को डुबो देना, वो चितवनी कहलाती है। इसलिए
आत्मज ये शरीरस्थ होना पड़ेगा, उसके बाद लक्ष्यस्थ होना पड़ेगा। लक्ष्य में जब स्थिर होंगे तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति होते पिंड ब्रह्मांड से आप परे हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य में आपके राज्य श्यामा जी आ गए तो समझ लीजिए आपने कालमाया युगमाया को पार कर लिया। आपके हृदय से स्वतः प्रेरणा आएगी कि अब कालमाया युगमाया से पार कर राज्य श्यामा जी के सम्मुख मेरी परात में स्थित हो गई है, और यहाँ से वास्तविक चितवनी शुरू होती है। कई बार सुरता परम धाम पहुँचने में बहुत समय लेती है, ऐसा क्यों? इसलिए आपके अंदर जब तमोगुण रहेगा तो आपका ध्यान लगे धारणा लगेगी ही नहीं, सुरता परम धाम नहीं पहुँचेगी। आपकी जो सुरता जो पहुँच रही है वो भावात्मक रूप से पहुँच रही है। यथार्थ में जिस दिन सुरता सही पहुँच गई उस दिन दीदार निश्चित होना है। जिस दिन राज्य का जो स्वरूप सतगुरु के रूप में आएगा बिना दर्शन दिए जाएगा भी नहीं, ये भी याद रखिए। हो सकता है कि उस दिन दर्शन न हो तो समझ लीजिए कि दर्शन की हरी झंडी हो गई है। जो प्रश्न है कि कई बार सुरता परम धाम में पहुंचने में बहुत समय लेती है, आप अधिक से अधिक सात्विक बनने का प्रयास कीजिए। आहार की सात्विकता होनी चाहिए, वाणी की सात्विकता होनी चाहिए। आप कभी भी किसी को तेज आवाज में कटुवचन न बोला कीजिए। यदि आपका आहार राजसिक है तामसिक है, आप क्रूरता पूर्वक किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो आपको बहुत क्षति होगी। योगी को क्यों कहा जाता है कि उसको कोई पत्थर भी मारता है तो वह किसी को मारे नहीं, वह किसी को श्राप ना दे। आप श्राप दे देंगे उस बेचारे का तो अनिष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको शक्ति दी गई है किसी का श्राप किसी को श्राप देकर उसका विनाश करने के लिए नहीं। वो अपराध कर रहा है, उसके अपराध का निर्णय राज्य पर छोड़िए, आपका काम नहीं है। आपका काम है सबके लिए कोमल होना, किसी को कष्ट देना नहीं। तो जैसे जैसे आपके हृदय में मोमिन दिल कोमल कहया तो अर्ष पाया किताब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा हो, किसी बहन का अपमान कर रहा हो और आप कहिए कि मैं तो कठोर में नहीं बोलूँगा तो आपका धर्म ये नहीं है। उस समय दूसरों के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए आपको कठोर बनना भी पड़ेगा, उसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि आपको व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। दांत को कठोर होना ही पड़ेगा और जीवा को कोमल होना ही पड़ेगा। ये महाराजा छत्रसाल जी युद्ध के मैदान में आकर सबसे हाथ जोड़ेंगे तो थोड़े युद्ध जीत पाएंगे। युद्ध के मैदान में तो उनको तलवार चलानी ही पड़ेगी, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तो पूर्णतया कोमल बन जाइए, क्योंकि यही कोमलता यही निर्मलता यही भाव विवलता आपको राज्य के दीदार कराएगी। एक है, जब आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़े हुए संग, या कौन सी अवस्था है, चितवनी या विरह? या विरह की अवस्था है। हफ्से में मिहिराज जी ने चितवनी नहीं की, उन्होंने जो चितवनी की है 1748 से 51 तक जब मरिफत सागर की वाणी अवतरित हो गई, उस समय श्री मिहिराज के तन में विराजमान महामती की आत्मा ने चितवनी की। प्राणनाथ जी ने चितवनी नहीं की, श्री जी ने चितवनी नहीं की, चितवनी कौन कर रहा है? महामती जी की आत्मा। और किस लिए? सुंदर साथ को दिखाने के लिए। हफ्से में जो घटना होती है, मिहिराज का हृदय बहुत व्यथित है। कलश हिंदुस्तानी में वीरह की परिभाषा बताई गई है, उठ सके ना वीर ने, रोई सके ना ले, उलूट फोट ना कर सके, हुक हुक श्वास ले। हुक हुक श्वास लेने का तात्पर्य वीरह की अवस्था में बस केवल एक ही बात लगी रहती है कि मेरा प्रियतम मेरे सामने हो, जो लो आपा पन्ना की आँख मीचे त्यारे तूने अवेश्रम, ये कहलाती है कि ये वीरह की अवस्था है। वो वीरह में इतने डूब गए, क्योंकि राज्य को उस तन से लीला करनी है। तो विरह क्या है? विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिनार, विरह के द्वारा ही पवित्रता आती है। विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना चले हुए नहीं दिलपाग। हृदय पवित्र कब होगा? विरह की अग्नि में, जब प्रीतम मेरे सामने आ जाए। देखिए, एक तो बंदगी है रटी रटाई, आपको स्वरूप याद है, आरती याद है, भोग याद है, आप गा रहे हैं बजा रहे हैं, एक प्रक्रिया चल रही है। एक ऐसी भी प्रक्रिया है जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हृदय मिलने के लिए तड़प रहा है। राज्य किससे खुश होंगे? आपके हृदय की तड़प से खुश होंगे।
यह भी तो संभव है, आपने सारे मंत्र याद कर रखे हैं, चौपाइयाँ याद कर रखी हैं, राज्य की महिमा गा रहे हैं, वो तो वाणी का विषय हो गया। आपका हृदय कितना पुकार रहा है राज्य को, इससे मतलब है। आप वाणी को स्वर में गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं, मंत्र को स्वर में पाठ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पंडित लोग यही धोखा खा जाते थे। एक बार जो रविदास जी थे काशी में, आप जानते हैं वो दलित थे, जूता सिला करते थे, तो काशी के जो पौराणिक पंडित थे उनसे घृणा करते थे कि ये छोटी जाति का दलित व्यक्ति है, हमारी बराबरी कैसे कर सकता है। तो उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ किया, कोई चमत्कार दिखाना था। तो जो पंडित थे वो तो संसारी व्यक्ति थे, उनके अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य तो था नहीं। मंत्रों को रटकर कोई कह दे बढ़िया स्वर में पाठ कर दे तो थोड़े कुछ होगा उसके लिए। तो जो मन जिसका सन्निमित है, जैसे मेरे सामने एक बार हीरालाल जी ने एक प्रयोग किया, उन्होंने अपने हाथ पर बहुत बड़ा बिच्छू ले लिया, मैं कल्पना नहीं, मेरे सामने की घटना घटित है और आज का आधुनिक विज्ञान उसके सामने फेल हो जाएगा। मैं संकल्प शक्ति की बात, संयम की शक्ति की बात बता रहा हूँ। मेरे सामने उस बिच्छू ने कई बार डंक मारा और हीरालाल जी हंसते रहे। बाद में मैंने पूछा कि आपने ये सिद्धि कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने ये किया बताया कि 20 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती पता नहीं कितनी बार, 1000 बार या 108 बार शायद अमावस्या या किस रात को मैंने जप किया और उससे सिद्धि प्राप्त हो गई। 20 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती में कुछ नहीं है, वो तो एक माध्यम है। जब आप मन को शुद्ध अवस्था में एकाग्र करेंगे तो क्या होगा, जो आप संकल्प करेंगे वही होगा। जैसे कई महात्मा ऐसे होते हैं चलती ट्रेन को रोक देते हैं तो थोड़े पहिए में हाथ लगा कर रोकेंगे, वो मन से शुद्ध संकल्प किए कि ट्रेन रुक जाए तो रुक जाती है। आपको अजीबा होगा, ये सब ऐसे ही होता है। योगी जो शुभ संकल्प करेगा वो उसको होना ही है। तो जो हीरालाल जी ने इसी संकल्प के साथ वो उल्टी गिनती को बार बार किया कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए कि बिच्छू डंक मारे तो कुछ नहीं होगा, वो उनके संकल्प शक्ति का कार्य है। तो इसलिए संकल्प की महत्ता है। जो ये प्रश्न है कि मिहराज को हफ्से में चितवनी की अवस्था थी या विरह की अवस्था, पूर्ण विरह की अवस्था है, और विरह की अवस्था में जब अंतिम अवस्था है आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़ सक, चितवनी में आहें नहीं होती, चितवनी में केवल प्रेम की अवस्था होती है। और वो तामस का विरह आया कि राजे नहीं आते हो तो मैं चारों तरफ से मैं आरोप झेलते झेलते मैं व्यथित हूँ, जो लो आपा पानी ना किया आँख मीची तेरे तूने आवे शर्म। तो परिणाम क्या हुआ कि राजी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर, क्योंकि उस दिन से लीला करानी है, 6 महीने के विरह में राजी ने दर्शन दे दिया। और आप भी नकल मत करना शुरू कर दिए कि महामती जी ने 6 महीने में पाया तो मैं भी भोजन छोड़ दूँ, 6 महीने में दर्शन हो जाएंगे मैं भी महामती बन जाऊँ, तो नहीं होगा। क्योंकि उस तन से वैसी लीला करनी थी और मिहराज का जीव कोई साधारण जीव नहीं था, वो कलाप ग्राम में मरु राजा का जीव है, जो न जाने कितने वर्षों से, कई हजारों वर्षों से वो साधना कर रहा है। आप तो कुछ थोड़े समय की साधना करेंगे, आप सोचिए मरु राजा महाभारत कालीन है, कितने हजार वर्ष उन्हें, अब 5000 साल हो गए, कितने हजार वर्षों से वो ध्यान में डूबे होंगे, फिर वो जीव आया होगा तो उस जीव में तो विकार नाम मात्र को रहा है। हमारे आपके जीव उतने निर्मल नहीं हो सकते, इसलिए आपके लिए प्रेममय चितवनी का मार्ग बताया गया है, किस तरह से आसनस्थ होकर के बैठना है और घर में रहते हुए आप उस विरह प्रेम के रास्ते पर चलते रहिए, धीरे धीरे वे विकार हटते जाएंगे और आपके अंदर प्रेम का प्रकटीकरण होगा। आप सोचिए उस समय वाणी का मिलना कितना कठिन था, वाणी तो अवतरित हो रही थी, हस्त कागज पर लिखा जाता था, आज आपके पास एक एक घर में कई कई प्रतियां वाणी की पड़ी हुई है। आज आप मोबाइल पर पूरे परमधाम के 25 पक्ष का नक्शा देख सकते हैं। आप सुंदर साथ घर बैठे बैठे
सैकड़ों घंटों की चर्चा सुन सकते हैं, उस समय तो नहीं था। केशव दास जी को केवल इतना पता चला था कि 500 के साथ कोई क्षत्रिय सेठ ने, वो पंडे ने, रेवादास ने तो यही बताया था, कोई क्षत्रिय आया था, उसके साथ 500 उसके अनुयायी लग रहे थे, और यही बता दिया जो रटा करते थे कि यमुना जी हैं, सात घाट है, उसके आगे परम धाम है। तब तो कहे थे कि यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उठी जात हूँ, मुझे आया ही मान। आज का युग होता तो क्या होता, वहीं बैठे बैठे फ़ोन लगाते, श्री जी से वीडियो कॉलिंग कर लेते और कह देते कि अपने ज्ञान सुना दीजिए। लेकिन वो जमाना था कि पैदल ही चलना था, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, पैदल चलकर भागते भागते श्री जी का दर्शन करते हैं। सोचिए, छठे दिन की लीला में आपको घर बैठे बैठे राजी ने सारी सुविधाएं दी हैं, और इस समय जो राजी पर विश्वास नहीं करेगा, राजी से प्रेम नहीं करेगा, उसके लिए कोई क्षमा शब्द नहीं है। जितनी सुविधाएं आपको दी गई हैं, इतनी सुविधाओं के बाद भी यदि सुंदर साथ ईमान से गिरता है, प्रेम में नहीं है, तो सोचिए परम धाम में जब परात में सबकी आत्मा जागृत होगी, तो उन परमात्माओं के सामने आप क्या मुंह दिखाएंगे। देखिए, सेठ लक्ष्मण दास भीम भाई हैं, चिंतामणि जी हैं, चिंतामणि के 1000 शिष्य थे, 1000 शिष्यों को छोड़ दिया, गादी को ठुकरा दिया, और औरंगाबाद मंदसौर में 8 महीने तक भिक्षा मांग मांग कर लालदास जी भोजन करते हैं, भीम भाई भोजन करते हैं, चिंतामणि जी करते हैं। यहाँ देखिए, ज्ञानपीठ में राज्य ने सारी शोभा दे दी है, लेकिन राज्य कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें भिक्षा मांगने की जरूरत पड़े, कितने लोग रहेंगे। अभी तो सारी सुविधाएं देने पर 200 बच्चे आए, 200 में 190 चले गए, 10 भी नहीं है। उन सुंदर सत का त्याग देखिए कि जिस सेठ लक्ष्मण दास के यहाँ हजारों लोग भोजन करते थे, जिनके न जाने कितने वाई ये जलयान से उनका व्यापार चलता था, वो भी घर घर जाकर भिक्षाम दे करें, क्योंकि श्री जी का आदेश है कि सबको भिक्षा मांगनी पड़ेगी, कोई श्री जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और पन्ना जी तक पहुँचते पहुँचते 5000 की जमात हो गई। हम उन ब्रह्मणियों की चरण धूलि भी बनने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तब त्याग किया है, हम सुंदर साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमको बार बार समझाना पड़ रहा है कि चितवनी ऐसे करो ऐसे करो, तो इस समय हम थोड़ा भी आलस प्रमाद दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ राज्य के न्याय में हमारे लिए कोई क्षमा नहीं है, हमें अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक प्रश्न है, ध्यान में सद्गुरु महाराज का जोश कैसे आता है। ये तो मैंने संक्षेप में समझा दिया, आप सद्गुरु की आकृति की धारणा करते रहिए, मेरे राज सिख मेरे श्याम श्यामा को हृदय से पुकारते रहिए, राज समा जप करते रहिए, धीरे धीरे सद्गुरु महाराज का स्वरूप सामने आ जाएगा, उनके चरणों की तरफ ध्यान देखिए। लेकिन सद्गुरु का ध्यान कीजिए तो उनके हृदय में युगल स्वरूप को अवश्य देखिए। और जब आप जो आप कपड़ा भी चाहते हैं, पहले तो सुंदर साथ को यदि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बैठकर ध्यान करते हैं, तो आप पैर की तरफ बैठिए, सिरहाने की तरफ न बैठिए। चितवनी करते समय आधे कपड़े पर बैठिए, आधे कपड़े सिरहाने की तरफ का छोड़ दीजिए, उस पर कोई भी चित्र न रखिए, सद्गुरु महाराज का भी चित्र न रखिए। आप भाव में लीजिए कि हमारे सद्गुरु महाराज आकर बैठे हैं, तो राज्य का जोश ही आएगा। आपके सद्गुरु महाराज तो श्री जी के चरणों में होंगे, यदि तन होगा तो, नहीं होंगे तन नहीं पूरा होगा तो उनकी अपनी लीला होगी, उनके जीव को भी पता नहीं चलेगा कि कोई मुझे याद कर रहा है। ये सब राज्य करते हैं, वो तो बहाना है। जैसे ब्रह्म सृष्टि का ही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, ब्रह्म सृष्टि की शोभा क्या है, इनों को देखे से सबाब जैसे याद किए हुए हक। ब्रह्मात्मा का दर्शन का तात्पर्य क्या है, जैसे राज्य की बंदगी का जो फल मिलता है वो किसी जागृत ब्रह्मात्मा के दर्शन से मिलता है। पुराण संहिता में क्या लिखा है, करोड़ों गायत्री मंत्र के जब से उतना पुण्य नहीं मिलता जितना किसी ब्रह्मुनि से वार्ता करने पर मिलता है, करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से वह पुण्य प्राप्त नहीं होता, उतनी पवित्रता नहीं आती है जितनी किसी ब्रह्मुनि के संपर्क से पैदा होती है। तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि आपको बहाना मिल जाएगा कि हमें आपसे बातें करनी है। देखिए, मैं तो कोई ब्रह्मात्मा हूँ नहीं हूँ राज्य जानते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, और इसलिए मेरा
कोई कितने सुंदर सत नाराज होते हैं कि स्वामी जी हमसे बात नहीं करते, बात नहीं करते। मैं बात करने वालों से कभी खुश नहीं रहता, मैं केवल मिशन से, जो राज्य की वाणी को फैलाने के मिशन से लगा है, वह मेरे से बात न करे तो भी मैं उससे बात करता हूँ। और जो मेरे साथ 24 घंटा केवल बात ही करता है तो मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि मेरा मिनट मिनट बधा होता है। आप देखिए, आप 4 बजे उठते हैं, मैं 2:30 बजे उठता हूँ, 2 बजे उठता हूँ, और रात के 10 बजे तक मुझे काम करना होता है। इसलिए जो राज्य के मिशन के लिए कार्य कर रहा है वो मेरे से दूर होगा तो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करूँगा, और जो मिशन के लिए कार्य नहीं करेगा, मैं आशा मेरे से न करे कि मैं उसको फ़ोन करूँगा या उससे गप्पे मारूँगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेरा शरीर राज्य के लिए अर्पित है, जो राज्य के मिशन के लिए कार्य कर रहा है वो उसके लिए मैं समर्पित हूँ। तो आप जब ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करते समय सद्गुरु महाराज के स्वरूप को लाने के लिए उनके नख से सिख तक की आकृति का भाव लेकर सामने भाव कीजिए कि वो मेरे आगे आकर बैठ गए हैं। आपका प्रतिदिन का यह भाव यथार्थ में एक दिन पर फल रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा है, ध्यान कहाँ लगाएं जब हम आंखें बंद करते हैं? आपको ध्यान जो है, देखिए राज्य दर्शन कहाँ देते हैं ये बात समझिए। क़यामतनामा की टीका आपने पढ़ी है, उसमें एक प्रसंग आता है कि एक बार मोहम्मद साहब ऊपर आकाश की तरफ देख रहे थे, जैसे बोलचाल में कहते हैं ना कि अरे ऊपर वाला ठीक करेगा। ऊपर वाले करने का तात्पर्य क्या होता है? परमात्मा। परमात्मा केवल ऊपर नहीं है, परमात्मा को ऊपर नीचे दाएं बाएं मध्य में नहीं किया जा सकता, वो दिशाओं से परे है। कहाँ है? यह आत्मन तिष्ठत्यंत्रो यम आत्मा न वेद। यजुर्वेद का एक मंत्र है, सर्वे निमिषा जगिरे विद्युत पुरुषाद अधि न ऊर्ध्वम च न अर्धम च न तिर्यंग च परिजग्रवत। वह परमात्मा न ऊपर है, न नीचे है, न बीच में है, बल्कि सबसे परे है। यह मंत्र का अर्थ होता है। उस समय आयत अवतरी होती है कि मोहम्मद तू ऊपर क्या देख रहा है, अपने हृदय में देख। तो क्या करना होता है? आप हृदय कहाँ है? स्थूल हृदय यहाँ है। स्थूल हृदय के अंदर जो कारण शरीर है, जो मन चित्त बुद्धि अहंकार कहलाते हैं, वो वास्तविक हमारा हृदय है। लेकिन ये शरीर तो हमारा हड्डी मांस का है। जब हम सोचेंगे कि हृदय में ध्यान कर रहे हैं तो क्या होगा? हमें अपना ये हृदय वक्षस्थल दिखने लगेगा। लेकिन हृदय में ही ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना होगा मैं बताता हूँ आपको। पहले ज्ञान के द्वारा परम धाम चलना है। ज्ञान किस में होगा? आपके मस्तिष्क में होगा। कार्य कौन कर रहा है? बुद्धि। आपके सामने सद्गुरु महाराज आ गए। मैंने बताया कि आप कोई सुरता को सद्गुरु महाराज योग काल माया से परे ले जा रहे हैं, तो आपने शून्य मंडल को पार किया, योग माया में प्रवेश करते हैं, फिर योग माया को पार करके परम धाम में प्रवेश करते हैं। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ऐसा ऐसा हो गया, इतनी सी जगह में सारा हो गया। आप परम धाम मूल मिलावे में पहुंच गए। मूल मिलावा कहाँ दिख रहा है? आपके हृदय के आगे। आपने आपके ज्ञान दृष्टि से, जैसे मैंने आपको विमान का उदाहरण दिया, ज्ञान दृष्टि से आपने परम धाम में प्रवेश कर लिया, 25 पक्षों में भी घूम लिए, और फिर उसको पार करते हुए कालमय के ब्रह्मांड में यहाँ आ जा रहे हैं। तो क्या होता है कि वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित हो रहा था। इसको कैसे समझे? एक बात मैं और दृष्टांत देता हूँ। जैसे पहले जो लड़ाई होती थी, आमने सामने की लड़ाई होती थी, तोप से या किसी से प्रहार कर दिया जाता था। आजकल मिसाइलों की लड़ाई होती है। मिसाइल चलाने वाला कहाँ बैठता होता है? कमरे में। वातानुकूलित कक्ष होता है, कंप्यूटर के पर्दे पर दूरी बनाई जाती है कि इतनी दूरी पर इतने वेग से मिसाइल डाली जानी है, और वहीं से बटन दबाता है, मिसाइल अपने आप वहाँ गिर जाती है। तो कंट्रोल करने वाला कहाँ बैठा है? कक्ष कमरे में बैठा है, वो युद्ध के मैदान में नहीं बैठा है। युद्ध के मैदान में बड़ी मिसाइलें नहीं डाली जा लेती हैं, उसको मिसाइल कक्ष अलग होता है,
जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर लेकर के थोड़े जहाँ बम गिर रहे हों वहाँ कंप्यूटर लेकर के आप चलाएंगे थोड़े, तो परिणाम क्या होता है, आपका हृदय ही वह कंप्यूटर है और उसके द्वारा आपको मन की तरंगों ने जो आपके चित्त की आत्मा की जो सुरता है, देखिए आत्मा जीव पर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है, जीव शरीर पर बैठकर शरीर भाव को प्राप्त हो गया है, जीव मन चित्त बुद्धि अहंकार के द्वारा अंतःकरण स्वरूप हो गया है, जीव अपने स्वरूप को विस्मित कर चुका है। जब मन से कार्य करता है तो सोचता है कि मैं मन हूँ, जो आपके मन को अच्छा नहीं लगता तो क्या कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मन तो नहीं है, मन से परे हैं, लेकिन मन की अच्छाई आपको अपनी अच्छाई लग रही है, शरीर का सुख दुख आपको अपना सुख दुख लग रहा है, आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो वैसे ही यह प्रवृत्ति है, जब आप सुरता के द्वारा जब आप चित्वनी में चल रहे होते हैं तो परिणाम क्या होता है, ज्ञान की दृष्टि से आप परमधाम प्रेस कर गए, धीरे धीरे यह प्रवृत्ति प्रेम में बढ़ती जाएगी। प्रेम कौन कर रहा है, आपका हृदय ही तो प्रेम कर रहा है, प्रेम का निवास चेतन में होता है। अब जो आपने काल माया से परम धाम में यात्रा की है वह धीरे धीरे प्रेम के स्वरूप में बदल रही होती है, जो हृदय में हमारा जो हमारा ये स्थूल शरीर के अंदर हृदय है वही तो सारा कुछ कर रहा है, उसमें जीव है, जीव के ऊपर आत्मा बैठी हुई है, आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो गई है, जीव अंतःकरण के भाव को प्राप्त हो गया है, अंतःकरण शरीर भाव को प्राप्त हो गया है। इन सारे बंधनों से जब हम ऊपर उठते जाएंगे प्रेम की लहर आएगी, शरीर भी समाप्त, अंतःकरण भी समाप्त, जीव भाव भी समाप्त और अपने हृदय में साक्षात्कार कर लेगी। इसलिए यदि आप स्थूल शरीर का ध्यान करेंगे तो आपको आभास रहेगा। मैंने पहले ही कह दिया कि जब आप आसनस्थ होकर के बैठ जाएंगे तो शरीर का तो आभास रहेगा ही नहीं। यही पर जो विद्वान क्रियात्मक रूप से चितवनी को नहीं जानते हैं वे चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं और ये कहते हैं कि ध्यान तो परम धाम में ही करना है, हृदय में नहीं करना है। अरे भाई, परम धाम कैसे आप जा सकते हैं, जैसे आकाश में चंद्रमा है, चंद्रमा को देखने के लिए आप अपनी दृष्टि को खोलिए, चंद्रमा आपको यहीं दिख से दिख जाएगा, आप कहेंगे कि रॉकेट आएगा, ये चंद्रयान बनेगा तब मैं चंद्रमा को देखूंगा, तब तो संभव ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए एक एक चंद्रयान कहाँ से दिया जाएगा। लेकिन आंखों को खोलिए, चंद्रमा को देखिए, पल में पहुंच जाएंगे। वैसे अपने आत्मचक्षुओं को खोलिए, अपनी आत्मदृष्टि परमधाम के 25 पक्षों का भ्रमण कीजिए, लेकिन आत्मदृष्टि को खोलने के लिए शरीर दृष्टि, अंतःकरण की दृष्टि, जीव की दृष्टि सबसे परे होना पड़ेगा। और इसके लिए पहली कक्षा है आसन स्थित इस तरह से हो जाइए, फिर अंतर्मुख हो जाइए लक्ष्यस्थ होकर के, तो आपको इस शरीर का भाव नहीं रहेगा। और धीरे धीरे जैसे ही प्रेम होगा तो ध्यान तो आपका प्रेम हृदय के अंदर ही चल रहा है, इसलिए कहा है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है इत आए करो आराम, ऊपर तले अर्श न कया अर्श कया मोमिन कलो। आपको दिख रहा है सारे परम धाम का दृश्य, लेकिन वो कौन देख रहा है, आप आत्मा अपने हृदय के पटल पर देख रही है। जैसे आपकी परात कतन मूल मिलावे में है और परात्म राज्य के दिल में माया का खेल देख रही है, वैसे ही चितवनी के द्वारा आत्मा अपने हृदय पटल पर संपूर्ण परम धाम को देखेगी, क्योंकि वो चितवनी के द्वारा शरीर और संसार से परे हो जाती है। जब शरीर संसार से परे हो जाए तो मिट्टी के शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसलिए दीदार भी होगा तो अपनी आत्मा के हृदय में ही होगा। लेकिन आपको लगेगा कि मैं परम धाम में ही घूम रही हूँ। आप कहेंगे कि इसको किस तर्क से समझाया जाए, जैसे बाल्टी है, बाल्टी में आप सर्फ घोलते हैं, हाथ हिलाइए बुलबुले बन जाएंगे, उन बुलबुलों में देखिए एक हर बुलबुले में एक एक सूरज उगा रहेगा, तो आपने तो बाल्टी में 10 बुलबुले बनाए तो 10 सूरज आपकी बाल्टी में आ गए, क्या संभव है। पृथ्वी से 13 लाख गुना एक सूरज है और आपने अपनी छोटी सी बाल्टी में 10 सूर्यों को इकट्ठा कर लिया। कहेंगे कि मैंने बाल्टी में 10 सूरज भर लिया, कोई कहेगा कि गप है। तो यदि ये वास्तविकता है तो उसी तरह से
आत्मा के धाम हृदय ही पूरा परम धाम बसता है। श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण यही बात दर्शाता है कि जिस आत्मा का दिल धनी का अर्श बन जाता है उसमें हौज कौशर मानिक पहाड़ पुखराज 25 पक्ष सभी वास करते हैं, युगल स्वरूप सहित सब सुंदर साथ भी उसी में रहते हैं। इसलिए जब आप पहले ज्ञान शरीर से परे हो आसनस्थ हो जाएंगे, लक्षस्थ हो जाएंगे, चितवनी की प्रक्रिया में डूब जाएंगे, तो धीरे धीरे शरीर से परे संसार से परे आप अपनी आत्मा के हृदय में ही देखेंगे। इसलिए आप स्थान भेद से परे हो जाइए कि हम आगे देख रहे हैं, अपने आप भावमय संकल्प के द्वारा कालमाया युगमाया को पार कीजिए। मैंने आपको विमान का दृष्टांत देकर के बता दिया है, भावमय संकल्प होते होते ज्ञान के द्वारा पुनः प्रेम की सरिता में जैसे प्रवाहित होंगे आप अपने परात्म के स्वरूप में, आपको अपनी आत्मा के हृदय में दिख सारा परम धाम दिखेगा। नख से सिख राज्य श्यामा जी भी दिखेंगे, 25 पक्ष भी दिखेगा, आपको अपनी परात्म का भी स्वरूप दिखेगा। राज्य के जिस जिस अंग की शोभा को देखेंगे परात्म का भी वह तन दिखता जाएगा और आपको पता चलेगा कि मेरा भी वैसे ही स्वरूप है। आपको इस शरीर का आभास नहीं रहेगा लेकिन लग रहा है कि मैं ही देख रही हूँ, और उस समय आपको इस शरीर का पता नहीं रहेगा, आपको अपनी परात्म का श्रृंगार दिखता रहेगा। जिस जिस अंग की शोभा को आप बसाते जाएंगे आपकी परात्म का वह अंग खड़ा होता जाएगा और आत्मा का भी वह अंग खड़ा होता जाएगा। उस समय आत्मा और परात्म एक हो गए रहेंगे और मार्फत की अवस्था में परात्म और राज्य भी एक हो गए रहेंगे। बीच बीच में नींद जैसा महसूस होता है, ये देखिए जब आपके अंदर तामस रहेगा तो निद्रा तो आएगी। इसलिए मैं बार बार सुंदर सा से कहता हूँ कि अपने आहार को सात्विक बनाइए, अपनी वाणी को कोमल बनाइए, किसी को भी मन वाणी कर्म से पीड़ा न दीजिए। तो तमोगुण जब हटेगा तो निद्रा अपने आप कम हो जाएगी। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत्निवग्नात कौन्तेया, प्रमाद आलस्य और निद्रा है तो समझिए कि हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि हो रही है। जब केवल सांसारिक काम करने की रट लगी रहे तो समझिए कि रजोगुण की वृद्धि हो रही है। जब ज्ञान और भक्ति का प्रवाह हो, प्रेम हृदय में उमड़े तो समझिए कि सुतोगुण का लक्षण है। जब इसलिए निद्रा के लिए आहार विहार को पवित्र बनाइए, अल्प भोजन करेंगे तो निद्रा नहीं आएगी, धीरे धीरे अभ्यास से ठीक हो जाएगा। चितवनी में बुद्धि से परे कैसे जाते हैं, प्रेम के द्वारा। जैसे जैसे आप प्रेम के मार्ग पर चलने लगेंगे, पहले बुद्धि का आधार लेकर ज्ञान के द्वारा चितवनी के मार्ग पर चलते हैं। जो भी चितवनी होती है बुद्धि के द्वारा ही होती है पहले, लेकिन जब बुद्धि का प्रवेश बंद होने लगता है, ज्ञान की धारा आने लगती है, ये प्रेम की धारा आने लगती है, तो बुद्धि की धारा अपने आप समाप्त होने लगती है, आप परे हो जाएंगे। आसन सिद्धि कैसे होगी, आसन सिद्धि के लिए मैंने कह दिया कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक दिन छोड़कर 2 मिनट बढ़ाइए। यदि आप आधा घंटा बैठते हैं तो एक दिन का गैप देकर दूसरे दिन 2 मिनट बढ़ाएं, 32 मिनट, उसके बाद 34 मिनट, फिर 36 मिनट, 38 मिनट, 2-2 मिनट बढ़ाते जाइए। एक ही दिन सोचेंगे कि मैं 3 घंटे बैठ जाऊं तो क्या होगा, आपका शरीर जवाब दे जाएगा। आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं इस योग्य नहीं बन पाई हैं, धीरे धीरे यही मांसपेशियां बड़े कार्य करने लगेंगी। मैंने बचपन में सर्कस देखा है, उसके बाद तो नहीं देखा। आप सर्कस में लड़कियों को देखिए, वो भी तो लड़कियाँ होती हैं, वो कितने भारी भारी वजन उठा लेती हैं। यहाँ जो बहने बैठे हैं उनको 10 किलो दे दीजिए तो कहेंगे कि हमारे दर्द हो रहा है, ये दर्द होगा, और वो कितने वजन उठा लेती हैं। वो वहाँ की सर्कस की एक लड़की आए तो यहाँ की 10 बहनों को पटक सकती है, क्यों, वो भी तो लड़की ही है, लेकिन उसने अभ्यास किया है, उसने अपने मांसपेशियों में वो शक्ति ला दी है। उसी तरह से जब आप बैठने का अभ्यास करेंगे तो आप भी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे आसानी से बैठ सकते हैं। देखिए बबिता बहन की माता जी कई घंटे बैठ जाती है, क्यों, वो तो बुजुर्ग हैं, उनको उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि मेरे शरीर में ये रोग है, उन्होंने अभ्यास किया है तो कई कई घंटे बैठ सकती हैं। और जो अभ्यास नहीं है, युवा अवस्था में भी जो बहनें हैं वो कहेंगे कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो इसके लिए स्वयं दोषी हैं। 2-2 मिनट का अभ्यास बढ़ाने का कीजिए, आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। माया से कैसे बचें, ये तो केवल राज्य बचा सकते हैं। तरण जुद कीदा फरी परी पचे गतमत मारी हरी, आप राज्य से प्रेम कीजिए
और प्रतिदिन कहिए राजी मुझे माया से बचाए रहिए, तो राजी बचाते रहेंगे। ये जिन्होंने अपना हृदय राजी को सौंप दिया, मैं अधीन करनी नहीं बांग रहे की लाज। तो आप अपना हाथ मजबूती से राजी के हाथों में अपना हाथ दे दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। महाभारत का युद्ध था, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण से निर्णायक युद्ध होना था और कर्ण सो रहा है। श्री कृष्ण ने उठाया कि कर्ण तुम्हें कोई चिंता नहीं है, अर्जुन तुम्हें चिंता नहीं है, कर्ण से तुम्हारा युद्ध होना है, कल या तो तुम रहोगे या कर्ण रहेगा। अर्जुन कहते हैं कि योगेश्वर मुझे क्या चिंता करनी है, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है, कल क्या करना है ये सब आप जानो, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप भी माया से बचने के लिए अपने हृदय का प्रेम केवल राज्य को सौंप दीजिए और प्रतिदिन कहिए कि राज्य मुझे माया से बचाए रहिए, राज्य अवश्य आपकी रक्षा करे। लगभग सभी हो गए। उस सूरत के सुंदर साथ आपके प्रश्न कुछ है? अच्छा ठीक है, मेरा भी समय पूरा होता है, सबकी शंकाओं का समाधान हो गया। आप सब सुंदर साथ पधारे, लेकिन जो सुंदर साथ देर से आए हैं उनके हाथ में तो ज़्यादा कुछ लग नहीं पाएगा। यूट्यूब से वे सुने, उसको बार बार आवृत्ति करके कई सुने, तो हो सकता है उनको वास्तविक मार्ग मिल सके। और मैं देश विदेश में बैठे हुए सब सुंदर साथ के लिए शुभकामना करता हूँ कि वे चितनी के मार्ग पर चलें, अपनी आत्मा को जागृत करें। हमारा सुंदर साथ 40 लाख की संख्या में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी 1 लाख भी सुंदर साथ चितवनी में लगे हैं। कर्मकांड की 300 वर्षों से जो हवा बह रही है, इस कर्मकांड ने चितवनी से सबको दूर कर रखा है। जब तक कर्मकांड की दीवारें ध्वस्त नहीं होगी, तब तक सुंदर साथ चितवनी में डूबेगा नहीं, इतने ही बैठे घर जागे धाम की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यहाँ बैठे बैठे अपने निज स्वरूप को देखना है, राज्य का दीदार करना है, तो चितवनी के मार्ग पर चलने के अतिरिक्त अन्य कोई भी चारा नहीं है। राज्य से तो मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि सबके अंदर सद्बुद्धि दे, कि सब सुंदर साथ चितवनी की राह में चलें और इस जागनी ब्रह्मांड का सुख लें, सारे संसार को उस अखंड धाम की तरफ ले चलें। ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य होगा। इसलिए आज मंदिरों में पैसा बहाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है वाणी का ज्ञान फैलाने की, चितवनी का मार्ग दर्शाने की, जिससे हम जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रणाम जी।